जो हमारा एट चैप्टर है, आठवां चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक। इससे पहले पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक को अपन डी एफ ब्लॉक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। डी एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है। तो आज हम डी और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको आवर्सारणी आनी चाहिए कंप्लीटली, टोटल सभी वर्ग आने चाहिए, आवर्त का अध्ययन आना चाहिए और प्रत्येक तत्व का नाम आपको आना चाहिए, वो चाहे एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो। क्योंकि एस ब्लॉक आपके सीनियर क्लास में नहीं है, फिर भी आपको सभी तत्वों का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो हम बेसिकली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें अपन पुरानी क्लासेस की पढ़ेंगे, ओके। जैसे पढ़ते अपन कौन सा ब्लॉक रहे, डी और एफ ब्लॉक, पर इसके पहले अपन कुछ बातें इस आवर्त सारणी से संबंधित पढ़ेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ओके। लेट्स गो। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है एट चैप्टर और उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक इलेवन। डी एंड एफ ब्लॉक इलेवन। देखिए चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हम बेसिकली पढ़ेंगे। आपने इलेवेंथ क्लास में आवर्त सारणी पढ़ी होगी, ठीक है। आवर्त सारणी की जो खड़ी लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें जो हैं, उनको क्या बोला जाता है, वर्ग। और जो क्षैतिज लाइनें हैं, जो कैसी लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, उनको क्या बोला जाता है, आवर्त, पीरियड और क्लास। तो ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये तो क्या है, वर्ग और जो क्षैतिज हैं वो क्या है आपके पास, आवर्त, ठीक है। उसके बाद ये आवर्त सारणी का एक थोड़ा सा मॉडल है, वर्ग संख्या एक, ये वर्ग है ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, वर्ग संख्या तीन से लेकर वर्ग संख्या बारह तक, मैंने लाइनें कम बनाई आपको समझाने के लिए, और फिर है वर्ग तेरह से लेकर वर्ग अठारह तक, तेरह से सत्रह और अठारह, ठीक है। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी में नीचे दो क्षैतिज लाइनें और भी हैं, है कि नहीं है, दो क्षैतिज लाइनें और भी हैं आवर्त सारणी में। ये है लैंथेनॉइड जिसको शॉर्टकट क्या कहते हैं, एलएन, और ये है एक्टिनॉइड जिनको शॉर्टकट क्या बोलते हैं, एएन। वर्ग संख्या एक और दो ऊपर से नीचे, ये तो कौन से ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में। वर्ग संख्या पहला और दूसरा कौन से ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में। वर्ग संख्या तीन चार पांच छह सात ऐसे बारह तक, ये ब्लॉक कौन सा है, बी ब्लॉक, ठीक है। वर्ग संख्या तीन से बारह तक कौन सा ब्लॉक है, बी ब्लॉक। वर्ग संख्या तेरह से और अठारह तक जो है वो कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। जो ये दो लाइनें हैं क्षैतिज, ये कौन से ब्लॉक में आती हैं, एफ ब्लॉक। क्लियर है। तो आवर्त सारणी का एक ढांचा हमने बनाया है, चार ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर है। देखिए ब्लॉक किस बेस पर बनाए गए हैं, किसी इलेमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस
ऑर्बिट में जा रहा है, जिस कक्षक में जा रहा है उसके आधार पर उसका नाम लिखा गया। जैसे सपोज लीजिए यहां कार्बन परमाणु क्रमांक कितना 6, एटॉमिक नंबर कितना 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 1s2 2s2 2p2। तो देखिए 2, 4, 6 अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी ऑर्बिटल में आ रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का। तो आपको ब्लॉक कैसे पहचान करनी है, किसी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है, जिस उपकोष में जा रहा है, जिस कक्षक में जा रहा है, उस तत्व को उसी ब्लॉक का माना जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दिया, कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, टू की तरफ जाने का जरूरी नहीं है, पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया कार्बन। उसके बाद देखिए ये एस ग्रुप हो गया, डी ब्लॉक में 3 से 12 तक, पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक, और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिव है। देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को तो अपन कैसे अध्ययन करेंगे, ऊपर से नीचे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वर्ग 1 और 2, मतलब किसको, एस ब्लॉक को, और किसको, पी ब्लॉक को, किस तरह पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे। क्यों, इन तत्वों में समानता कैसे होती है गुणों में, ऊपर से नीचे वाले तत्वों में, जबकि कौन से ब्लॉक को, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को क्षैतिज ही पढ़ा जाता है। मतलब स्केलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती है, टाइटेनियम से, नेटी किससे, इट्रियम से। तो जब ये तीसरा वर्ग पढ़ेंगे तो हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, स्केलियम के साथ इट्रियम को नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ किसको पढ़ेंगे, स्केलियम के साथ टाइटेनियम को पढ़ेंगे। तो ये तो कैसी समानता है, डी ब्लॉक में क्षैतिज समानता है, एफ ब्लॉक के तत्वों के गुणों में भी कैसी समानता है, क्षैतिज समानता है। जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व है उनमें उनके गुणों में कैसी समानता है, ऊर्ध्वाधर समानता है। ठीक है, अब देखो कौन कहां से शुरू हो रहा है, एस ब्लॉक वर्ग संख्या 1 और 2, हमारे पास पी ब्लॉक हम पढ़ेंगे, हमें वर्ग संख्या 13 से लेकर 14 तक तो कौन सी क्लास में पढ़ लिया था, 11th में। अब सीनियर में हम पढ़ेंगे वर्ग 15 से लेकर कहां तक का पी ब्लॉक, 18 तक का पी ब्लॉक पढ़ेंगे 7th चैप्टर में, और पूरा डी ब्लॉक और पूरा एफ ब्लॉक हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, 8th चैप्टर में। क्लियर है, आवश्यकता आपके पास क्लियर हो गई है। अब हम पर्टिकुलर इस चैप्टर पर आते हैं, इस पर डी और एफ ब्लॉक। तो पहले तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर का दूसरा पोर्शन शुरू होगा किस बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में। तो हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक से। देखिए सबसे पहले जो परिभाषा पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे, डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे, उनकी परिभाषा क्या हो। तो सीधी सिंपल परिभाषा है, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन, पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा हेडिंग क्या है फिलहाल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में परिभाषा क्या होगी, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है, डी कक्षक में भरा जाता है, वो क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें भरा जाएगा, वो भरा जाएगा डी कक्षक में। ठीक है, कौन से वर्ग आएंगे इसमें, वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व, वर्ग
ही है, इनका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहते हैं। किनको? डी ब्लॉक के तत्व। संक्रमण तत्व कहने के दो रीजन है, कारण कितने इसके? दो, एक और दो। किसके कारण समझा रहा हूं मैं? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, उसके दो कारण है। मुख्य कारण क्या है कि ये किसके मध्य में आते हैं? एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं डी ब्लॉक पर। अभी हमने आवासानी बनाई थी, पहला दूसरा पर किसमें था? पी एस ब्लॉक में। 13 से लेकर 18 तक कहां थे? पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक कहां बैठा था? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य बैठा था। तो चूंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक के तत्व, इसलिए इनको क्या नाम निकाल दिया? संक्रमण तत्व। एक इसका मुख्य रीजन तो ये, दूसरा रीजन क्या है? संक्रमण तत्व उसी को कहेंगे जिसका डी कक्षक जो है वो क्या हो? अपूर्ण, चाहे उसकी सामान्य अवस्था हो, मतलब कैसी अवस्था में हो वो? परमाणु अवस्था में, या फिर वो आयनिक अवस्था में हो, मतलब उत्तेजित अवस्था में। इस बात को समझिए, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। दूसरा रीजन, संक्रमण तत्व तभी कहेंगे जब उनमें पड़ा हुआ डी कक्षक क्या हो? अपूर्ण, पूरा भरावा नहीं होना चाहिए। कौन सा कक्षक? डी कक्षक। पूरा भरावा तब नहीं होना चाहिए, या तो परमाणु जब वो है मतलब सामान्य अवस्था में भी डी अपूर्ण होना चाहिए, और जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जब आयन बनाए तब हो ले, मतलब कहने का हुआ कोई परमाणु अपनी मूल अवस्था में हो उसमें डी कक्षक क्या हो? अपूर्ण हो, तो भी वो संक्रमण तत्व है। यदि जब वो आयन बनाए इलेक्ट्रॉन का त्याग करे फिर यदि क्या कंडीशन बन जाए? अपूर्ण वाली कंडीशन बन जाए, तो भी उसको क्या बोलेंगे? फल संक्रमण तत्व। इसलिए डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। लेकिन इसके अपवाद देखना, अपवाद क्या है? वर्ग संख्या 3 में कौन बैठा है? सॉरी, वर्ग संख्या 12 में कौन बैठा है? जिंक। 13 में कौन बैठा है? कैडमियम। वर्ग संख्या 12 में कौन कौन है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। एक लास्ट का भी है वैसे तो यूरिया भी 112 है। कितने नंबर का एलिमेंट है ये? 112 नंबर का। एक को क्या बोलते हैं? अन। दूसरे को, वन को भी अन, यू यू भी अन, अन बायो। ठीक है, ये जो तीन तत्व है जो कौन से वर्ग में है? 12वें वर्ग में है। वो डी ब्लॉक के तत्व तो है परंतु क्या नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। ध्यान से सुनिए आप लोग, मैंने शुरू में क्या बोला था कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके दो कारण है। एक तो डी ये किसके मध्य पड़ा है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन ब्लॉक को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। दूसरा रीजन क्या है कि डी ब्लॉक का वही तत्व संक्रमण तत्व कहलाएगा जिसमें डी कक्षक क्या होना चाहिए? अपूर्ण। यदि डी में फुल इलेक्ट्रॉन भरे, डी 10 है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, वो तत्व कभी भी क्या नहीं कहलाएगा? संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। अब बात यह है, सामान्य अवस्था में पूरा डी 10 हो पूरे भरे 10, पर आयनिक अवस्था
से ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक। परंतु क्या नहीं माना जाता? संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता साहब संक्रमण तत्व? क्योंकि इनकी मूल अवस्था में भी और आयनिक अवस्था में भी डी कक्षक जो है वो पूर्ण क्या रहता है? भरा। आप देख लीजिए जिंक का विन्यास, जिंक कितने नंबर पर आता है? एटॉमिक नंबर कितना है जिंक का? 13। विन्यास लिखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है, 3d10 4s2 30 मिलियन हो गए। अब देखिए ये इसकी सामान्य अवस्था है, मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है। डी देखो कैसे पड़ा, आप देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। जबकि शर्त क्या है संक्रमण तत्व बोलेंगे कि डी कक्षक क्या होना चाहिए? आपको पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए इसमें, इसमें पड़े। इसलिए जिंक क्या है? डी ब्लॉक का तो तत्व है परंतु क्या नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। एक बात और, जब इस ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, जब ये कैसी फॉर्म में आएगा? आयनिक रूप में आएगा। तो जिंक सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2। जिंक प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? 4s से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 4s से जाएंगे तो वापस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या रह गया? डी के नहीं रह गया। तो ये जो तत्व है कौन कौन से? जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी मूल अवस्था में भी डी पूरा भरा रहता है और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद भी डी क्या रहता है? पूरा भरा। इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो है पर क्या नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। क्लियर है? उसके बाद डी ब्लॉक की कुछ श्रेणियां हैं। डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। डी ब्लॉक के जो टोटल तत्व हैं वो कितने हो गए? 40। समझ रहे हैं आपको? हर श्रेणी में 10 तत्व हैं। क्यों? क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो 4 श्रेणियां हैं तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए डी ब्लॉक में? 40 एलिमेंट हो गए। कुल कितने हो गए? 40। तो हमारे पास है डी ब्लॉक की श्रेणियां, 4 श्रेणियां हमारे पास। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक? स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक कितना? 30 तक। ये प्रथम श्रेणी है, इसको मैं क्या कहूंगा? प्रथम संक्रमण श्रेणी। बी क्या हो जाएगा? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। कहां से कहां? इट्रियम परमाणु क्रमांक 39 से केडमियम परमाणु क्रमांक 48। इट्रियम परमाणु क्रमांक 39 से केडमियम परमाणु क्रमांक 48। सी तृतीय संक्रमण श्रेणी। देखिए लेंथेनम परमाणु क्रमांक 57, फिर 58 से लेकर के 71 तक तत्व किसमें चले?
से तत्व है लैंथेनॉइड, वो कहां पड़े आवसारणी के नीचे, तो 57 के जस्ट बाद सीधा आएगा 72 हैफनियम, परमाणु क्रमांक 72, 57 के बाद 72, फिर कंटिन्यू है साहब मरकरी परमाणु क्रमांक 80। सभी में कितने कितने तत्व हैं, 10 10। फिर है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ये कहां तक है, एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 से। अब देखिए फिर वही 14 तत्व कहां पड़े हैं, लैंथेनॉइडों के नीचे, एक्टिनॉइड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड के बाद आने वाले क्या कहलाएंगे, लैंथेनॉइड। तो 90 से लेकर 103 तक तो एक्टिनॉइड है जो नीचे पड़े, 58 से लेकर 71 तक कहां पड़े, लैंथेनॉइड। तो एक्टिनियम के बाद इसका नाम आएगा रूफनियम, 104। बीच के 14 तक तो कहां पड़े, यहां 58 से 71 वाले भी लैंथेनॉइडों के रूप में पड़े, 90 से 103 कहां पड़े, एक्टिनॉइडों के रूप में पड़े। फिर कंटिन्यू है 112 यू यू बी परमाणु क्रमांक 112, ये हमने पढ़ा था इलेवन टॉपिक, एक के लिए अन, दोबारा एक के लिए अन का पहला पहला अक्षर, दो के लिए बाई, तो लास्ट में ईएम लगाते हैं, अन अन बाई एम, तो शॉर्टकट नाम क्या हो गया, यू यू बी। कितनी श्रेणियां होंगी, देखो 4 श्रेणियां होंगी डी ब्लॉक के तत्वों की, ठीक है। हम सभी देखिए ये जो चौथी श्रेणी है इसका भी विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है, ये देखिए नाम तक भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसका अभी तक संपूर्ण इसके रासायनिक गुण भौतिक गुण वगैरह जब तक व्याख्या नहीं हुई तब तक अपन इस श्रेणी को पढ़ेंगे नहीं। तो हम इस चैप्टर में एक्चुअली बात तो किसकी करेंगे, पूरे डी ब्लॉक की, इसकी बात करेंगे पूरे डी ब्लॉक के तत्वों की, पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी की, द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तत्वों की, हम पर्टिकुलर एक्टिनियम की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे इट्रियम की, हम तो पूरे किसकी बात करेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों की, पर हम एक्चुअली जो बात करेंगे वो किसकी नहीं करेंगे, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की हम बात नहीं करेंगे, तो पूरे चारों श्रेणी को मिलाकर हम डी ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो मैं आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम और उनके डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा ये सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया था, किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में हमने परिभाषा पढ़ ली, 3 से 12 वर्ग तक आते हैं, इनका एक नाम संक्रमण तत्व भी होता है, इनकी 4 श्रेणियां हैं प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है, और चतुर्थ, चारों श्रेणियां कहां से कहां तक शुरू होती है ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम डी ब्लॉक में फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए जो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भार्यता कोष का, वो क्या आएगा, एन माइनस वन डी, 1 से 10 एन एस 1 से 2। ये क्या चीज है, जैसे मैं विन्यास लिख रहा हूं स्केंडियम का, परमाणु क्रमांक कितना 21, सुनना आप मेरी बात ध्यान से, 21 का विन्यास लिखूंगा तो विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d1 4s2। आप देखिए s के साथ कितना लगा हुआ है, 4, तो उससे पहले d के साथ कितना लगा हुआ है, 3। तो यदि s के साथ वैल्यू कितनी है,
एन, तो डी के साथ एक क्या होगी कम, तो एन माइनस वन डी। क्लियर है? जब आप टाइटेनियम का विन्यास लिखेंगे कितने नंबर का, 22 का, तो यहां तक तो क्लियर आएगा सेम टू सेम, यहां क्या हो जाएगा 3d2 4s2, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, डी वाले। तो मैंने लिख दिया जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1 से लेकर 10 तक। एस वाले ने कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कभी 1, कभी 2, कभी 0। तो सभी विन्यास को मैंने, ये काय का विन्यास है, बाह्य तल कोष का विन्यास, एन माइनस वन डी, 1 से लेकर 10 तक। जब आप स्केडियम से लेकर कहां तक का विन्यास दी देंगे, जिंक तक का विन्यास दी देंगे, जो कितने नंबर पर है, 30 नंबर पर, कितने नंबर तक है, 30 नंबर तक है। तो 30 नंबर तक विन्यास है, तो आप देखिए इतने वाला विन्यास तो कॉमन रहेगा, बस चेंज क्या होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे और इसमें एस में, तो विन्यास हो गया 1 से लेकर 10 और एस में 1 से लेकर 2। तो डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य तल कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, एन माइनस वन डी, 1 से 10, एनएस 1 से 2। अब हम पर्टिकुलर लेंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम पढ़ेंगे, उनके परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए हम ले रहे हैं, एक बात और देखिए आपसे, अंतिम कक्षक कौन से हैं, अंतिम कक्षक मैंने अभी बताया था आपको, एन माइनस वन डी कक्षक और एन एस कक्षक। इन दोनों की कक्षकों की ऊर्जा में अंतर क्या होता है, कम, अंतर कम होता है। देखिए आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस पर निर्भर करता है, कक्षकों की ऊर्जा पर। जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आता है, जिस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। परंतु n माइनस वन डी और एन एस, मैं थोड़ा शॉर्ट कट और इसको इजी कर दू, 3d और 4s, कक्षक की ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, एनर्जी लगभग बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी इसमें और कभी इसमें संक्रमण कर जाता है। तो आपको डी ब्लॉक के तत्वों के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो बहुत अधिक आपको इसमें अपवाद देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी में जो अंतर है वो बहुत क्या है, कम। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों कक्षकों में संक्रमण करता रहता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण किस बेस पर निर्भर करता है, बताइए, ऊर्जा पर। तो फर्स्ट हम लेंगे इसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी, कॉलम इसमें रहेगा हमारे पास जेड, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, सिंबल एलिमेंट का, प्रतीक उसका पूरा नाम और उसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमारे पास कुछ कॉलम होते हैं, ठीक है।
पर वेनेडियम वी, वेनेडियम 24, क्रोमियम 25, मैग्नीज 26, आयरन 27, इसको दे दीजिए आप एक वन और इधर कितने हो जाएंगे
ये कैसा विन्यास है? पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। तो अपवाद हो गए दो, जिंक में कोई दिक्कत है नहीं। 18, 2, 20 और 10, 30। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी थी, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। इन सभी के नाम, इनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक और भायतन कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो मैंने विन्यास लिखा है। भायतन कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, यहीं से आपको ऑक्सीजन अवस्थाओं के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, हमने भायतन कोष में कितने कक्षक लिखे हैं? 4s2 और 3d1, दो दो कक्षक लिखे हमने। मैंने आपको एक बात पहले बता चुका हूं कि जो ये दो कक्षक है 4s और 3d, इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में अंतर क्या होता है? बहुत कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में और 3d से 4s में संक्रमण करते जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बहुत सारे अपवाद देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे 4d श्रेणी। मतलब कौन सी श्रेणी? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। हम विन्यास पढ़ेंगे तीनों श्रेणियों का, चौथी का श्रेणी नहीं पढ़ेंगे। ये कहां से कहां तक हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास इट्रियम परमाणु क्रमांक 39 से केडमियम परमाणु क्रमांक 48। ठीक है, जब ये सीरीज देखें 39 से शुरू होकर कहां तक जाएगी? केडमियम तक। तो हम 34, 35, 36 तक का विन्यास तो पहले लेंगे, तो मैं ये मिटा दूं। नाम चेंज हो गया, श्रेणी चेंज है तो, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चेंज होंगे सब। हाँ जी, देखिए अब हम पढ़ेंगे कहां से 39 से लेकर 48 तक। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और प्रतीक इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, एनडी, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, पीडी, सिल्वर, अर्जेंटम और केडमियम। कितने नंबर है? 39। तो हम इसके नजदीक वाली उत्कृष्ट गैस ले लेंगे। इसके नजदीक उत्कृष्ट गैस कौन सी है पता है? क्रिप्टॉन। परमाणु क्रमांक 36, परमाणु क्रमांक 36। 36 तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें आ जाएगा? क्रिप्टॉन में। बाकी हमें ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 3। 36 का विन्यास देखो आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4b6। देखिए 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 6, 18, 28, 29, 30, 36, ये ताकत का विन्यास हो गया 4b6। अब 4d नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? 5s। क्या आएगा? 5s। 5s के बाद क्या आएगा? 4d। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2। तो 36 को बोल रहे 5s में 2, 38 और 39 का किसमें आएगा? बोलिए 4d। तो 4d कौन से शुरू हो जाएगा? इट्रियम। ठीक है, अब जब हम विन्यास इसका लिखेंगे इट्रियम का, तो देखिए आप भायतन का विन्यास लिख सकते हो और टोटल विन्यास लिख सकते हो।
मेरी बात समझ रहे हो आप? देखो ये जो इक्विलिब्रियम है इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 36 तो हो रहे हैं, हमें कितने पढ़ने हैं 39, तो 36 के बाद फिर किसका नंबर आएगा 5s2, 36 और 2 38, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें 4d में, 38 और 1 39, तो वाइटल कोष का विन्यास तो क्या हो गया 5s2 4d पर, 3 तो यहां रहे 36 वहां वाली, हमें वाइटल का लिखना है तो सिर्फ 2 ही शो कर रहे हैं, आप पूरा विन्यास लिखना चाहिए किसका, इट्रियम का, तो देखिए ऐसे मत लिखिए पूरा 36 तक, आप सीधा इसको लिखें क्रिप्टॉन, इसका मतलब 36 तो इसके अंदर ही साफ हो गया, बाकी जो बच गया 5s2 4d1, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 39। तो इस तरह हम आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की विवेचना कर सकते हैं, ये आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने आगे के कॉलम खाली छोड़ रखे हैं, आवर साइड में आपने पढ़ भी रखी है, विन्यास मैंने आपको लेंथ बताया था, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे वाले की, फिर मैं कल जब इसका एक्सरसाइज करूंगा तो आप अपनी कॉपी से मेल कर सकते हैं। ओके, इस चैप्टर के नोट्स जो है मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका हूं, आप पिछले वाले चैप्टर के नोट्स क्लियर करने के 2 लाइन छोड़ने के 2 पेज छोड़ने के बाद आप चैप्टर के नोट्स शुरू कर दें, ठीक है, हमारा ये 4th चैप्टर शुरू हुआ है, 3 चैप्टर के नोट्स मैं आपको सेंड कर चुका हूं, आप लोग अपनी फेयर कॉपी में आराम से इसको वर्क कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।